माजी नगरसेवक किशोर वनवारी यांचे जनजागृती अभियान। वृक्षामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो, त्यामुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास रोखण्यासाठी वृक्षतोड थांबवणे अत्यंत गरजेचे आहे। त्यामुळे नवीन वृक्षारोपण करण्यासोबतच वृक्षतोड रोखण्याकडेही विशेष लक्ष दिले गेले पाहिजे। जर एखादे झाड सडून गेले असेल, ते जर झाड कापले किंवा तोडले नाही तर मोठा नुकसान किंवा जीवितहानी होऊ शकते, ते होऊ नये म्हणून माजी नगरसेवक किशोर वनवारी यांनी याबाबत अधिक माहिती सांगितली। झाड तोडणे गरजेचे असेल अथवा वृक्ष छाटणी करावायची असेल तर त्यासाठी महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरणाची रितसर परवानगी घेतली तर आपल्यावर कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा देखील दाखल होणार नाही। अनेकदा अशा प्रकारची परवानगी न घेताच वृक्ष तोड करणे अथवा वृक्ष छाटणी करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते। अशा प्रकारे विना परवानगी वृक्ष तोड वृक्ष छाटणी करून पर्यावरणाला हानी पोहोचवणे हा गुन्हा असून याबाबत अदखलपात्र गुन्हा नोंदविला जात होता। मात्र याबाबत महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध अधिनियम 1995 मधील कलम 2(g) व 3 अन्वये गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो। त्या अनुषंगाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देत महापालिका आयुक्त यांनी अशा प्रकारे विना परवानगी वृक्ष तोड वृक्ष छाटणी करणाऱ्यांवर नियमानुसार दखलपात्र गुन्हा महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध अधिनियम 1995 मधील कलम 2(g) व 3 तसेच महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडाचे संरक्षण व जतन अधिनियम 1975 आणि महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन नियम 2019 सह शासन आदेश अधिसूचना मधील कलम 21(1) व 2 नुसार विना परवानगी वृक्ष तोड वृक्ष छाटणी करणाऱ्यांवर दखलपात्र गुना दाखल करण्यात येणार। मैं किशोर अनवाड़ी, आप सभी जनता का, पब्लिक का सेवक, आज मैं आपको ट्री यानी जो पेड़ हैं उनके विषय में बताना चाहता हूं कि भाई जो पेड़ काटने का प्रोसीजर है वो कैसा है कि अगर आप अपनी मर्जी से पेड़ काटते हैं तो मर्डर ऑफ ट्री, भाई आपने पेड़ का खून किया, ये केस होता है। तो इसके लिए मेहरबानी करके अगर आपका पेड़ डेंजर है, कंडीशन में है, गिरने वाला है या न्यूजेंस है, तकलीफ होती है, तो उसका प्रोसीजर कैसा है कि आप पहले कमिश्नर साहब को और वार्ड ऑफिसर को सब अर्जी करेंगे मिलके पड़ोस वाले, फिर वो लोग विजिट करेंगे और पेपर में इश्तिहार देंगे, फिर एक ट्री कमेटी है, जब इलेक्टेड बॉडी रहती है तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं नगर सेवक, उसके सदस्य और उसका सभापति चेयरमैन कमिश्नर रहता है। अभी तो कमिश्नर साहब प्रशासक है तो वही आल एंड आल है, तो वो फिर जब देखेंगे कि पेड़ काटना जरूरी है तो वो पास करेंगे उस कमेटी में एज अ प्रशासक के तहत, तो फिर वो आप पेड़ काट सकते हैं। लेकिन उसका प्रोसीजर है एक पेड़ लगाओ दस दे, एक पेड़ काटो दस लगाओ, उसका कायदा है। तो मेहरबानी करके आपको खाली MSEB जो कंपनी है ना उसको ही खाली पेड़ कटिंग का शांटिंग का पावर है, क्योंकि जब भी वो LT या HD लाइन के ऊपर पेड़ आते हैं तो लाइट वाले काट सकते हैं। आपको भी अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है तो आप वार्ड ऑफिसर को अर्जी करेंगे तो वार्ड ऑफिसर विजिट करके उसका प्रोसीजर बताएगा कि भाई वो कैसे कट करना है नहीं करना है, कमिश्नर साहब डिसाइड करेंगे। उसके बाद आप कायदे से कीजिए, कायदे के विरुद्ध ना जाके मेहरबानी करके कायदे से पास करवा के फिर वो पेड़ काटिए। प्रतिनिधि कृष्णा महाले, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट न्यूज, उल्हासनगर।